निपुण भारत मिशन के तहत पूर्व विधायक अनिल सिंह ने शिक्षकों को वितरित किए टैबलेट। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक अनिल सिंह। शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देती योगी सरकार, कोई भी शिक्षक नहीं रह सकता मनमानी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 बार लगेगी शिक्षकों की अटेंडेंस, स्कूलों को काफी हद तक किया ठीक। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से है, जहां हिलौली ब्लॉक सभागार में 20 परिषदीय शिक्षकों को पूर्व विधायक अनिल सिंह ने निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया। आपको बता दें, 20 शिक्षकों का निःशुल्क लैपटॉप वितरित करते पूर्व विधायक अनिल सिंह। आपको बता दें कि सोमवार को उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली के सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक अनिल सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में हिलौली ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित। दोनों अतिथियों का शिक्षकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा कि आप सभी गुरुजन हैं, आपके सामने सभी के सामने कुछ बताना सूर्य के सामने दीपक दिखाना जैसा होगा, लेकिन सोचिए पहले के सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी थी, अब कैसी है, स्वयं में ही जवाब मिल जाएगा। मेरी सरकार सब कुछ डिजिटल कर रही है ताकि कोई भी गलत ना कर सके। लगभग 45 मिनट के संबोधन में सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने सभी शिक्षकों को टैबलेट देते हुए बताया कि सरकारी सभी कामों को पूरा करने में अभी तक जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें अब शिक्षक आसानी से पूरा कर सकेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने कहा कि टैबलेट को बहुत सुरक्षित रखना है और केवल विद्यालय संबंधित कार्य ही टैबलेट में करना है। सभी शिक्षकों को टैबलेट के उपयोग के विषय में बताया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि टैबलेट हर विद्यालय में मिलेगा। पूर्व विधायक अनिल सिंह और ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित ने संयुक्त रूप से 20 शिक्षकों को टैबलेट वितरण किया, जिसमें से योगेश कुमार, मलखान सिंह, राजपाल सिंह, डॉक्टर शशिपाल, शेर बहादुर, रश्मि, नीलम, ऋचा वर्मा, नीलम सचान, ऋचा मिश्रा, अनिल कुमार, नीरज कुमार, रेशमा देवी, सुनील दीक्षित, अनुराग मिश्रा, धर्मेश तिवारी, दिनेश कुमार, प्रियंका गुप्ता, राम देवी आदि को टैबलेट वितरण किया गया। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्व विधायक अनिल सिंह के द्वारा वितरित किए गए टैबलेट। कार्यक्रम के दौरान हिलौली प्रधान महेश सोनी, करदहा प्रधान धर्मेंद्र सोनी, पुष्पराज सिंह, गौतम त्रिपाठी प्रधान, रामबाबू लोधी प्रधान, ब्रजेश शुक्ला सहित ब्लॉक हिलौली के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, सभी एनपीआरसी व सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। युवा तक भारत समाचार के लिए एसके पाल की रिपोर्ट। गुलिस्ता में गुलाब देखा है, उन सबका तो जवाब है, लेकिन माननीय विधायक जी को लाजवाब का बस जोरदार तालियां बजाएं। टैबलेट वितरण का कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है अब टैबलेट पे आ गई है वितरण कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? ये लगातार निरंतर योजना हमारी आज से नहीं चल रही, हर लेयर पे काम कर रही है। आंगनबाड़ी, आशा बहू समूह की महिलाएं, प्लस इसके बाद सभी कर्मचारी, लेखपाल, मास्टर, सभी लोगों को हम लोग, क्योंकि हम जब डिजिटलाइज हो रहे हैं और डिजिटल लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो उसी तैयारी पे लगे सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जैसे आज आप मोबाइल पे पहले कैमरा चलाना पड़ता था पत्रकार, उसके बाद तब कहीं रिकॉर्ड हो पाता था, कुछ लोगों पास नहीं था, आज हम सब पत्रकार हो गए। आज हर हाथ में पत्रकारिता है, हर हाथ में कैमरा है, तो कुछ भी गलत घट रहा है या हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो पत्रकार कोई हो वो रिकॉर्ड करे, जरूरी है कॉमन व्यक्ति भी वो रिकॉर्ड करके पत्रकारों को दे सकते। आप किसी से बोल सकते हैं भैया उस गाँव चले जाओ, भैया रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो, मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई चीज इसी तौर पर हम सबको लैस कर रहे हैं। लेकिन बताइए जो भी कब्जा करेगा सीधे खाली करेगा तो ठीक, टेढ़े खाली करेगा वो भी ठीक, बुलडोजर के जरिए खाली करेगा वो भी ठीक,
भूमि चिन्हित हो चुकी है लेकिन अब तक कार्यवाही ऐसा है कि कर्मचारी अधिकारी तो वही है ना, अभी उनको हम लोग धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। अब आप बताइए कि किसी को एकदम से कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसी वजह से हम लोग लगातार निरंतर इन चीजों पर काम कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर कब्जा हो चुका था, आने वाले 40-50 सालों में लोगों ने पोखरों पर, लोगों ने खलिहानों पर, लोगों ने गरीब के खेतों पर, पट्टे की जमीनों पर अवैध निर्माण करके कब्जा कर लिया है। तो आप सोचो कि किसी को हटाने में उसको सिद्ध करना पड़ेगा तब ना हटाया जाएगा उसको। मान लो कोई छोटा गरीब उसमें फंस गया और उसने एक विश्वा कब्जा कर लिया है, तो उसके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए ना। उसको हम कहीं सिफ्ट करेंगे, उसको हम अंकित करेंगे, तब ना हम उसको गिरा पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और कार्रवाई से लेकिन अधिकारी अभी भी घूस लेने की बात नहीं आती। देखिए देखिए क्या है कि घूस लेने में तुम देना चाह रहे हो तो ले ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि हमने सुधार किया है, और जब हम वार कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं, पकड़ रही चोरों को, तो क्यों भी पक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है कि कार्रवाई न करें और बदले की भावना से कार्रवाई करें। आप पत्रकार महोदय लोग हैं, आप हम लोगों का तो समर्थन करना चाहिए कि सही कर रहे हैं। अगर आप चोर नहीं हैं तो क्यों घबरा रहे हैं? आम आदमी तो नहीं घबरा रहा कि पुलिस हमको पकड़ लेगी, तो इसलिए आप उस पर भी तो बोलिए कि विधायक जी आपकी ईडी और सीबीआई पे विपक्ष उठा रहा है, तो इसीलिए उठा रहा ना कि चोरों को पकड़ा जा रहा है। तो जब चोरों को पकड़ा जा रहा है तो चिल्लाएंगे है ही। और रहा मामला घूसखोरों की, तो घूसखोर भी अभी ऐसा नहीं कि मर गए। देना बंद करो, हम सब आपके जरिए कहना चाहते हैं कि आप सब देना बंद करो, लेना बंद करेंगे। और जिनकी जानकारी हो जाती, जैसे हमको जानकारी नहीं हो पाई कि किसने भूल दिया किसने लिया, तो जैसे जानकारी हुई तो मैंने सभी मास्टरों के सामने चोरी से नहीं कहा, मैंने खुलेआम कहा कि ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं। 10-5% टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाना ना पड़े, जो आलसी हैं, ऐसा नहीं क्योंकि टीचर सबसे ईमानदार व्यक्ति है, उसमें कहीं भी 4-5 लोग होंगे तो उनके लिए मैंने उनको निर्देशित किया है जिसपे आप मदद नजर रखो। अगर और कोई सरकार होती तो ना रखती, तो कहते हमारे मामा है, फूफा है, चाचा है, इनको छोड़ दो। आइए देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारी हिलौली ने क्या कहा। जो ऐप खुलेगा इस टैबलेट में, उस विद्यालय की मैपिंग होगी, उस विद्यालय के कैंपस में ही वो ऐप खुलेगा। और जैसे अटेंडेंस 9 बजे तक होना है तो 9 बजे के बाद फिर ऐप खुलेगा भी नहीं। वो दोपहर में आधे घंटे के लिए खुलेगा तो उस समय में अटेंडेंस होगी, आधे घंटे बाद फिर बंद हो जाएगा, उसका टाइम निश्चित होगा। इस टाइम के टाइम अधिकतर कपड़ों से निवस्त्र होकर कई विद्यालयों में अध्यापकों की फोटो वायरल हुई, कोई पिक्चर देखता है तो कोई गाने सुनता है, क्या मानते हैं टैबलेट आ जाने से परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल परिवर्तन आएगा। देखिए हम कह रहे हैं जैसे आलानी है निपुण लच ऐप, कक्षा 1, 2, 3 या जो कक्षाएं हैं उनको एक निश्चित मात्रा में उनको सत्र के लास्ट तक उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा, वो आएगा तो वो ऑनलाइन ही उसका असेसमेंट होगा, उसमें कोई छेड़ नहीं खाने, ओ जाकर सीधा डीसी पे जाकर के सेव हो जाएगा। सरकार की मंशा के अनुरूप क्या विद्यालय में कार्य हो रहे हैं, क्या आप निरीक्षण करते हैं? देखिए सुधार बहुत हुआ है, मैं तो 40 से मुझे कम से कम 40 विद्यालय निरीक्षण करने का लक्ष्य है, और मैंने लेकिन तब भी हम 50 विद्यालय के आसपास करते हैं और बहुत सारे अध्यापकों को वेतन भी कटता है जो एब्सेंट रहते हैं। सुधार बहुत हुआ है और आने वाले बस 1-2 महीने में जो आपकी शिकायत है, जो आपका सुझाव है, ये भी एकदम से खत्म हो जाएगी। खेड़ा चर्चा का विषय बना रहता है अध्यापकों की ना उपस्थिति को लेकर के। बात खेड़ा तो मैं गया था अभी, हाँ बात खेड़ा में खेड़ा मैं दोनों जगह गया था, लोग अपने लालपुर बिल्कुल मैंने कार्रवाई किया था, उनका एक दिन का वेतन कटा था। बस इंतजार करिए आप, हाँ उस दिन इतफाक से मैं बाजखेड़ा से राजखेड़ा और हम लालपुर में तीनों स्कूल गया था और तीनों में एक एब्सेंट मिल के उनका वेतन कटा था। श्रीमान जी इस ऐप में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि अध्यापकों की लापरवाही भी पकड़ी जा सके कि वो पढ़ा नहीं रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बैठे हैं, कैसा कुछ है इस ऐप में? मोबाइल कैसे ऐप में कैसे भाई मोबाइल रखा हुआ टेबल पर तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको कैसे पकड़ेंगे? हम कह रहे हैं जो टारगेट दिया जा रहा है कि कक्षा एक के टीचर जिसे वो भी ऑनलाइन मैपिंग हुए कि कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ा रहा है, वो सभी लोग देख रहे हैं। कक्षा एक में जिसे मुझे मिला हुआ है पढ़ाने के लिए, और ये कक्षा एक में ये है कि इतना आ जान चाहिए लास्ट में, नहीं आए तो हमें लापरवाही मान जाए, सीरियस बात ये है। और हमें हो सकता है आने वाले 1-2 सालों 3 सालों में हो जाए
कि अगर आपका बच्चा निपुण नहीं हो रहा, आपके क्लास के बच्चा निपुण नहीं हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से इंक्रीमेंट भी ना मिले। अगर निपुण होगा तो इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। एडमिशन के बाद विद्यालय में बच्चे अधिकतर कम मात्रा में आते हैं, क्या मानते हैं अध्यापकों की लापरवाही है पढ़ाने में, इसीलिए कम मात्रा में बच्चे आते हैं, क्या इसका आप निरीक्षण किए? इसके कई कारण है, एक जो आप कह रहे हैं लापरवाही ये भी चीज है जी। बाकी चीज कहेंगे लोकेशन पर भी असर पड़ता है, वहाँ का परिवेश कैसा है उसके ऊपर असर पड़ता है। बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं जहाँ पर अटेंडेंस हमारे 90% के ऊपर है, हाँ वहाँ का परिवेश वहाँ गार्जियन साथ दे रहे हैं। हाँ कहीं कहीं कुछ अध्यापकों लापरवाही की वजह से भी अटेंडेंस कम आ रही है, बस ये जो टैबलेट मिल गया है इसका उसका भी समाधान है। हम लोग उसको ट्रेस करेंगे, जहाँ पर 50% कम अटेंडेंस है पर डे उसको शेयर करते हुए, अध्यापक से बात करते हुए, गार्जियन से बात करते हुए, वहाँ पर भी अटेंडेंस हम लोग निश्चित करवाएंगे, सभी बच्चे वहाँ पर आएंगे। कुछ ही महीने बाद नया सेशन चालू हो जाएगा, नहीं कुछ ही महीने बाद बच्चों की संख्या बढ़े सरकारी स्कूलों में, इसके लिए क्या आपके दिमाग में रोड मैप है? देखिए भैया, मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, जो बेसिक शिक्षा विभाग में इसमें सुधार चल रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहे हैं, जो लोकल के प्राइवेट स्कूल हैं वो टूट जाएंगे 2 सालों में। इतनी अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार और हमारे विभाग मिलकर कर रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की उसमें छूट हुई नहीं है कि आप कहीं से विचलन कर पाओगे। हिलौली क्षेत्र में क्या कोई मानक विहीन विद्यालय चल रहा है, इसकी जानकारी है? अगर चल रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? अभी तो मेरी कोई जानकारी नहीं तरीके से, अगर कोई जानकारी बताइए।